ही गंभीर और संजीदा मसले पर मुझे बात करनी है, तो अपनी बात की शुरुआत मैं भारत की बेटियों, नारी शक्ति, देश की आधी आबादी को नमन करके करना चाहती हूं। और वो इसलिए क्योंकि आज भी कहीं ना कहीं प्रतिकूल परिस्थितियों के बावजूद, तमाम अन्याय, अत्याचार, शोषण के बावजूद इस देश की बेटियां घर, समाज और भारत के मान सम्मान को विश्व पटल तक पहुंचाने और ऊंचा बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ रही है। तो मैं अपनी बात की शुरुआत इन पंक्तियों से करना चाहती हूं कि साहस है पहचान जिसकी, मुश्किलों से जो ना हारी है, शक्ति का स्वरूप है जो, वो हिंदुस्तान की नारी है। और क्या नापोगे हद उसकी, वो बेहद है, वो गहरी है, उस पर आंख दिखाने वालों, वो लोकतंत्र की प्रहरी है, वो घर समाज की प्रहरी है। तो मैं नमन करती हूँ इस देश की बेटियों को और अपनी बात शुरू करती हूँ याद दिलाकर आपको कि किस तरह से सत्ता की कुर्सी पर काबिज होने के लिए नरेंद्र मोदी जी ने बड़े बड़े नारों का इस्तेमाल किया था। बहुत हुआ नारी परिवार, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, और ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि ये नारे कितने खोखले और कितने निरर्थक थे। ये बदलापुर की घटना ने, निशंस और अमानवीय घटना ने पूरी तरह से साबित कर दिया। और ये कहना भी अतिशयोक्ति नहीं होगी कि आज महाराष्ट्र की, भारत की, बदलापुर की बेटियां चीख चीख कर कह रही हैं कि बचेंगी बेटियां तभी तो पढ़ेंगी बेटियां। और सच्चाई ये हो गई है कि भाजपा से बेटी बचाओ।